हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस की। और बेटा दो बेसिस पे हमने डिफरेंस पढ़ लिया था, एक सब्जेक्ट मैटर और एक लॉस मेजरमेंट। इन पे बात करके गया था मैं बेटा। मैंने बोला था बेटा 6 मार्क का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, हम 6 बेसिस पे डिफरेंस पढ़ने वाले हैं और एक ऐसा बेसिस है जिसपे मैं पूरा दिन लगाने वाला हूँ। मैंने एक बात ये भी की थी आपको, लगाऊंगा बेटा पहले दो तीन आसान आसान बेसिस पे बता देता हूँ, फिर एक पे पूरा दिन लगाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और आज ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे और मेरा टारगेट ऐसा है बेटा अगले 2 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बोला था बेटा बैंकिंग और इंश्योरेंस मेन मुद्दे हैं, जिस दिन इंश्योरेंस खत्म हुआ समझ लेना चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद सारी बात अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन करना सब कुछ है हमारे को, ठीक है प्यारे बच्चों। बेटा बात कर रहा हूँ 4th बेसिस की, बेसिस का नाम है ड्यूरेशन। पढ़ता हूँ बेटा, बाबू वैसे बता देता हूँ, चलो खैर क्या ही पढ़ेंगे बेटा, वैसे ही बता देता हूँ बाबू। लाइफ इंश्योरेंस बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए कराया जाता है, जनरली 5 to 30 years। बेटा लोग कराते हैं 20-20 साल के लिए, 25-25 साल के लिए, 30-30 साल के लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस की ड्यूरेशन सबसे बड़ी है बेटा। अगर मैं फायर इंश्योरेंस की बात करूँ तो फायर इंश्योरेंस इज वैलिड फॉर 1 year ओनली बेटा, सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी होती है फायर इंश्योरेंस की, जस्ट लाइक आपके एक्टिवा का इंश्योरेंस। सर आपके एक्टिवा के इंश्योरेंस की वैलिडिटी भी तो 1 year होती है अगर आपको पता हो तो, है ना। अगर आपने आज एक्टिवा का इंश्योरेंस ले लिया तो बेटा अगले साल इसी दिन तक वैलिड रहेगा बेटा, और अगर इस बीच में कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती, एक्टिवा को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता, तो बेटा इंश्योरेंस खत्म, ठीक है ना। फिर दोबारा से पे करो इंश्योरेंस की अमाउंट बेटा, पॉलिसी अमाउंट, और बेटा दोबारा शुरू हो जाओ, करेंगे बात बेटा बाबू। और मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस इज वैलिड फॉर अ वॉयज। वॉयज मीन्स बेटा एक सी जर्नी के लिए वैलिड होता है, चाहे वो 15 दिन की हो, चाहे वो 20 दिन की हो, चाहे वो 25 दिन की हो। तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस की वैलिडिटी सबसे ज़्यादा 5 साल से लेकर 30 साल तक, फायर इंश्योरेंस की वैलिडिटी सिर्फ 1 year की है बेटा। 1 साल में आग लगी, नुकसान हुआ तो क्लेम ले जाना, अगर 1 साल तक कुछ नहीं हुआ बेटा तो दोबारा पे करने आ जाना बेटा, फिर 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा, फिर 1 साल के लिए वैलिड। 1 साल से ज़्यादा की वैलिडिटी नहीं होती फायर इंश्योरेंस में। मरीन इंश्योरेंस की वैलिडिटी बेटा एक सी जर्नी के लिए है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं वॉयज बेटा, ठीक है ना। सी जर्नी मे बी ऑफ 15 days, 20 days, 25 days, 30 days, तो बेटा इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, इट इज़ वैलिड फॉर अ वॉयज, ठीक है प्यारे बच्चों। रीड करो इस बात को, चलो जी। 4th बेसिस था बेटा, मैं रीड कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली एक्सीड अ ईयर एंड इज टेकन फॉर अ लॉन्गर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 5 to 30 years और फॉर हॉल लाइफ। आपको याद होगा हॉल लाइफ इंश्योरेंस बेटा, याद है ना, कह रहा या तो 5 से 30 साल टाइम पीरियड रहता है या हॉल लाइफ। हॉल लाइफ बेटा, हॉल लाइफ इंश्योरेंस हमने पढ़ा था, जब तक जिंदा रहोगे तब तक, मरने के बाद मिल जाता है आपके नॉमिनी को, याद है ना बेटा, लाइफ इंश्योरेंस का टाइप था। फायर इंश्योरेंस में लिखा हुआ है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली डज नॉट एक्सीड अ ईयर, यानी कि मैक्सिमम 10 या 1 year हो सकता है इसका। और बेटा मरीन में लिखा है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर वन और पीरियड ऑफ वॉयज और मिक्स्ड। कुछ नहीं बेटा, सिर्फ वॉयज के लिए वैलिड होता है, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों बात करता हूँ 2nd बेसिस की, एलिमेंट, काम की बात, मजा आ जाएगा। कहता है लाइफ इंश्योरेंस हैज द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट और बोथ। अभी पढ़ लो, समझाऊंगा। फायर इंश्योरेंस हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड मरीन इंश्योरेंस हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। लो प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ, लो बेटा हम लाइफ इंश्योरेंस कराते क्यों है बेटा, प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए कराते हैं। लो समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, आज एक पर्सन की एज 25 years है बेटा, और वो 25 साल के लिए इंश्योरेंस ले रहा है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और बेटा लेट सपोज कि वो प्रीमियम दे रहा है 1 lakh पर एनम, 1 lakh rupees 1 साल का, ठीक है। तो बेटा 25 साल आज बीत जाते हैं बेटा, आज वो 50 साल का हो जाता है, उसने 25 सालों में 25 लाख रुपए पे किए हुए हैं बेटा, ठीक है। अब मान लो बेटा इस पीरियड में उसको कुछ भी नहीं हुआ बेटा, आज भी वो जिंदा है बेटा, आज भी वो सर्वाइवर है, तो एक बात बताओ क्या ये आपके 25 लाख खत्म? सर बेटा लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में ना आपको बता देता हूं, मैंने इसका नाम एक बोला करता था, मैं बोला करता था लाइफ कभी इंश्योर नहीं होती, लाइफ हमेशा अश्योर होती है, इसे हम लाइफ अश्योरेंस बोलते हैं।
पता है अश्योरेंस वर्ड बोलने का एक और लॉजिक भी है बेटा। बाबू इसमें पैसा मिलने अश्योर्ड होता है, फिक्स होता है कि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, पैसा मिलने की अश्योरेंस है। चाहे आप मरो चाहे आप जिंदा रहो पैसा जरूर मिलेगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता पैसा खत्म हो गया। अब 25 साल बीत चुके हैं बेटा, 50 साल के हो चुके हो, आपको कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ी आपका पैसा मिट्टी हो गया। सर पैसा मिलेगा, आप जिंदा हो बेटा इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आपका पैसा दे देते हैं। बेटा ये बताओ 25 ही लाख देंगे, मुद्दा तो ये है 25 ही लाख देंगे, ज्यादा देंगे कुछ तो ज्यादा देंगे। खैर वो ये नहीं बताते इंटरेस्ट, क्योंकि ना बैंक पे करता है इंटरेस्ट, इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बताती कि मैं कितना पे करूंगी, ठीक है ना। इंटरेस्ट नहीं आप बोल सकते हो, लेकिन हाँ एक हेल्दी अमाउंट आपको पे जरूर किया जाएगा। बाबू अगर मैं बैंक में एफडी कराता तो आज की तारीख में 14 साल में पैसे डबल हो जाते हैं, तो मैंने लगभग 25 साल रखे हैं, यानी कि मेरे पैसे लगभग 4 गुना तो हो ही जाने चाहिए, 4 नहीं तो 3 गुना तो पे कर ही देगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बेटा आपको लगभग 75 लाख पे कर दे, 25 लाख के 75 लाख मिलेंगे। तो सर क्या खाली यहां पर आपकी लाइफ प्रोटेक्ट हुई क्या? बेटा नहीं, लाइफ इंश्योरेंस हैज द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। इंसान खाली बेटा अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं करता बेटा, बाबू वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमा भी लूंगा। बैंक में एफडी कराने से बेटर है यही करा लो, ठीक है ना, लाइफ तो प्रोटेक्ट रहेगी रहेगी बेटा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिल जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी। अच्छा ये फायर इंश्योरेंस होता तो क्या होता, सुनना बेटा। आपका घर है, आपके घर की वैल्यू 1 crore है, ठीक है ना, 1 crore है। आपने बेटा किसी कंपनी को बुलाया कि मुझे फायर इंश्योरेंस कराना है, उन्होंने कहा ठीक है आप 50,000 पे करो पूरे घर को इंश्योर करते हैं। आपने 50,000 पे करे, घर इंश्योर हो गया। मान लो ये आपने 50,000 पे करे बेटा 1st of July 2021 को, बेटा 30th June 2022 तक कुछ भी नहीं हुआ घर को बेटा, आपको बता देता हूँ ये 50,000 रुपये मिट्टी खत्म। अब आ जाओ बेटा 1 July 2022 को दोबारा 50,000 पे कर जाओ, अगर दोबारा इंश्योर कराना है घर, नहीं कराना तो भूल जाओ। क्या बेटा ये 50,000 रिटर्न कर दिए जाते हैं आपको ब्याज जोड़ के? नहीं, फायर इंश्योरेंस हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, ये कभी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में बेटा प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट है, फायर में बेटा कोई इन्वेस्टमेंट का बात ही नहीं है बेटा, सिर्फ प्रोटेक्शन की बात है। आग लगी पैसे मिल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ तो बेटा भूल जाओ सब खत्म, जब्त हो गया, और यही तो मेन कमाई है। आपको कभी मैंने एक दिन कहा था ना इंश्योरेंस कंपनी की कमाई पर चर्चा करूंगा तो बेटा बस क्या ही हो जाएगा, लो आज कर देता हूँ चर्चा, दूसरों की कमाइयों पर चर्चा का शौक तो पुराना है बेटा, है ना। लो सुनो बेटा, आप अपने एक्टिवा का इंश्योरेंस करा कर आते हो 3,000 देकर आए, ठीक है, मान लो एक्टिवा की कीमत है बेटा 70-80 हज़ार रुपये, 80,000 समझ लो फेयर एस्टिमेट, ठीक है। बाबू ऐसे 100 लोगों ने एक्टिवा का इंश्योरेंस करा लिया, ऐसे 100 लोगों ने एक्टिवा का इंश्योरेंस करा दिया, इंश्योरेंस कंपनी के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ 3 lakh, और इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छे से अपने सर्वे से जानती है कि इनमें से 2 एक्टिवा चोरी हो जाती हैं, 80-80 हज़ार भुगतने भी पड़ गए पूरे, तो कितने भुगत लिए 1,80,000, 2 का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 4-5 हज़ार देने पड़ जाते हैं, मान लो 10,000। इंश्योरेंस कंपनी को पता है भाई हमारी कमाई 100 एक्टिवा में कितनी है, तो आपको क्या लगता है 100 ही एक्टिवा इंश्योर होती हैं? पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला 2-व्हीलर है एक्टिवा, पूरी दुनिया का, मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं सर, 100 के हिसाब से कैलकुलेट करा, इधर 0 लगाते जो इधर भी बढ़ाते जो, सांस आनी बंद हो जाएगी कुछ देर में, इतनी कमाई करती है इंश्योरेंस कंपनी, सोच भी नहीं सकते आप, बियॉन्ड एनी लिमिट कमाई है, बियॉन्ड एनी लिमिट, ठीक है ना जी, बात ओके, कमाई समझ में आई। सर अगर ये 10 lakh हो तो क्या होगा, और इतने तो होंगे मजा आएगा, 10 lakh हो तो क्या होगा सर, उतनी 0 यहाँ बढ़ा लो सर, तो आपको समझ में आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के सही मायने में कमाई कितनी है बेटा, ठीक है ना। कुछ 100 crore, कुछ 100 crore कम नहीं होते बेटा, समझ आई बात। तो बेटा फायर इंश्योरेंस में भी ऐसे ही कंपनियां कमाती हैं बेटा, अगर आपसे 50,000 लिए और आपका घर इंश्योर कर दिया 1 crore रुपए का, तो ऐसे 50,000 पता नहीं कितनों से पकड़े हुए हैं, और वो भी अपने सर्वे से जाते हैं, एक आधे घर में आग लगती है और पूरा नहीं जलता,
थोड़ा बहुत जल जाता है बेटा, इतना पे कर देंगे। तो बेटा हर हाल में इंश्योरेंस कंपनी फायदे में, कोई घाटा कमाने के लिए नहीं कंपनियां खोल के बैठे हुए वो। क्लियर है जी बात? चलो सेम बात करता हूँ बेटा मरीन इंश्योरेंस में। बेटा मरीन इंश्योरेंस हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगेन बेटा, एक सी जर्नी थी जो बेटा यूएसए से इंडिया की थी, आपने क्या किया बेटा, इस सी जर्नी को इंश्योर कराया बेटा, ठीक है ना। शिपिंग लाइन ने क्या किया होगा, शिपिंग लाइन ने वेसल को इंश्योर कराया होगा बेटा, शिपिंग लाइन ने बेटा फ्रेट को इंश्योर कराया होगा, और आपने अपनी कार्गो को इंश्योर कराया होगा। मैं आपके एंगल से बात कर रहा हूँ। मान लो बेटा हमारा कुछ सामान आ रहा है यूएसए से इंडिया, ठीक है ना, कुछ समझ लो बेटा लैपटॉप्स आ रहे हैं, किसी के कंप्यूटर, किसी के LEDs आ रहे हैं बेटा, तो उन्होंने क्या करा बेटा, इंश्योरेंस ले लिया। बाबू मान लो हमारा एक कंटेनर आ रहा है, एक कंटेनर में बेटा हमारा जो सामान है बेटा, मान लो वो 50 करोड़ का है, और हमने क्या कर रखा है बेटा, 1 करोड़ रुपये इंश्योरेंस अमाउंट दिया हुआ है। अगर बेटा गुड्स रीच कर जाते हैं टू द डेस्टिनेशन बिल्कुल सेफली, तो बेटा क्या होगा इस 1 करोड़ का, विद रिटर्न मिलने वाला है? नहीं बेटा, खत्म, ये लैप्स हो जाएगा। तो सोच कर देखो इंश्योरेंस कंपनी कितना कमा रही है। ऐसे तो बेटा 1000 कंटेनर होते हैं किसी किसी वेसल पर, 1 से 1 करोड़, तो 1000 करोड़, एक वेसल कितना बड़ा होता है पता है आपको बेटा? मैंने आपको बताया था एक कंटेनर लगभग इस रूम का आधा है, यानी कि इस रूम में लगभग 2 कंटेनर आ सकते हैं। ऐसे 1000 कंटेनर आते हैं एक बार में एक वेसल पर। वेसल ने अपना इंश्योरेंस कराया, वेसल की कीमत है मान लो बेटा फेयर एस्टिमेट 5000 करोड़, और बेटा मांगे उसने 500 या 50 करोड़ मांगे, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा लाओ 50 करोड़ दो, पूरा वेसल इंश्योर करती हूँ, 50 करोड़ उससे ले लिए, 1-1 करोड़ कंटेनर से ले लिए बेटा सबके, 1000 करोड़ वहां से इकट्ठे हो गए, 1050 करोड़ इकट्ठे हो गए, और मैं बोलता हूँ गुड्स सेफली पहुंच गए डेस्टिनेशन पर, कुछ नहीं हुआ। 1050 करोड़ का क्या, किसके हो गए? अब मुंह से जवान नहीं निकलने की, अब रात को नींद भी नहीं आने की, आज रात को सपने चलेंगे इंश्योरेंस कंपनी खोल लेता, काश मैं इंश्योरेंस कंपनी खोल लेता, ऐसे ही 11th के चक्रों में पड़ गया है ना, लग रहा होगा ना अभी। मैं तो कह रहा हूं बेटा बेकार की बातें, अभी रजिस्टर करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी डाई के पास बेटा, छोड़ो बाबू छोड़ो, क्या बातें कर रहे हो, सिर्फ वैसल इंश्योर करेंगे हम, और कुछ करेंगे ही नहीं कल से। हाँ जी बेटा, हाँ तो बेटा सुन ना यार, एक बात बता, 1050 करोड़ एक वैसल से कमाई आ रही है, अगर ऐसे 10-12 वैसल सेफली पहुंच जाए तो कितनी कमाई हो गई बेटा, कितनी कमाई। एक आध डूब गया ले ले यार 5000 करोड़, चल कुछ नहीं होता, एक डूबा हुआ भी मान लिया 10 में से तब भी बचा लिया कुछ ना कुछ, डूबने दे एक आध यार, डूबना भी चाहिए यार, अच्छी बात होती है, इतनी कमाई करके कहां जाना है। लो प्यारे बच्चों बात क्लियर हुई? तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस हैज द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, फायर एंड मरीन हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा अगर पूरे साल भर फायर इंश्योरेंस में कुछ ना हुआ तो ये मत समझना कुछ भी रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर बेटा वॉयज में कुछ नहीं हुआ बेटा, ये मत सोचना कुछ रिटर्न मिलने वाला है, सब खत्म, सब इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। क्लियर है ना जी बात? ओके बात, बढ़े आगे। चलो जी बेटा नेक्स्ट बेसिस की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बेसिस चलो 7th one पढ़ते हैं, पहले सरेंडर वैल्यू बेटा 7th one पढ़ते हैं, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर एक पे जो टाइम लगाना है उस पे ही लगाएंगे। 7th one पढ़ते हैं बेटा, सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू। बेटा चलो पहले मैं समझा देता हूँ क्या करूँगा बेटा, रीड करके पहले मैं समझा दूंगा तो शायद रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लो सामने देखना प्यारे बच्चों, बेटा अगेन बात करता हूँ, एक इंसान 25 साल का है, ठीक है, उसने 25 साल के लिए बेटा लाइफ इंश्योरेंस लिया, यानी कि बेटा अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 50 ईयर्स उसके पास लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है जी। बाबू 1 लाख पर एनम बेटा प्रीमियम पे कर रहा है कंपनी को, मान लो बोलता हूँ 15 साल बीत चुके हैं बेटा, आज वो 40 साल का हुआ है, कितना पे कर चुका है इंश्योरेंस कंपनी को यार, बोल दो 15 यार, बोता यार यही नहीं पता तुम्हारे को, 15 लाख पे कर चुका है वो इंश्योरेंस कंपनी को, हर साल का 1 लाख पे कर रहा है, 15 साल हुए हैं, 15 लाख पे कर चुका। आज वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया,
कहता है कि मेरे को ना अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तोड़वानी है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा होगा, तोड़ देंगे कि नहीं? तोड़ देंगे। उसने कहा ठीक है, अभी तोड़वा लो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप तोड़वाना चाहते हो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप तोड़वा लो। बेटा अब उसको अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए, मेरा तो क्वेश्चन ये है, 15 लाख, उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा? तीन ऑप्शन है आपके पास, 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख तक दे दे बेटा, और बाबू 15 लाख से, 15 लाख के बराबर दे दे, 15 लाख से कम या ज्यादा। बेटा आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है हमारी नजर में कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी को इनकन्वीनियंस दे रहे हो। देखो एक बात बता देता हूं, कायदे से पूरे 15 नहीं मिलेंगे, 15 से कुछ कम देंगे, वो सारा इनकन्वीनियंस कॉस्ट आपके ऊपर डाल देंगे। मैं समझा देता हूं इनकन्वीनियंस किस बात की है, बहुत आराम से सुनना इस बात। मान लो बेटा आप जो 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हो और 25 साल तक आपने देने का प्रॉमिस किया है, तो आप 25 साल में 25 लाख दोगे, इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी लाइफ को 1 करोड़ रुपए से इंश्योर करा, उन्होंने बोला 1 लाख दे देना हर साल का, 1 करोड़ आपका लाइफ इंश्योर है, जब मर्जी आपकी डेथ होगी इस पीरियड में आपको हम 1 करोड़, आपकी फैमिली को 1 करोड़ दे देंगे, ठीक है। और मान लो बेटा ऐसे 100 लोगों ने इंश्योरेंस कराया था, तो पहले साल इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से सोचना, 1 लाख आपने दिया, 1 लाख ऐसे 100 बंदों ने दिया, मेरे पास कितना पैसा आया यार, बोलो 1 करोड़ आया। मैंने पहले साल कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं अपने सर्वे से 100 में से 1 आदमी की अनयूजुअल डेथ हो जाती है, कभी भी 1 करोड़ देना पड़ सकता है। मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी कहीं पर भी, 1 करोड़ रख लिए संभाल के। दूसरे साल मेरे पास कितना पैसा आया, 1 करोड़, फटाफट बोलो 1 करोड़ आया। मैंने 1 करोड़ का 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है। बेटा मैं आपको रिटर्न कुछ ज्यादा देता हूं तो पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं कमाऊंगा तभी तो आपको दूंगा। इंश्योरेंस कंपनी कहां कहां इन्वेस्ट कर सकती है, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है ना। सर इंडिया में गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट की अच्छी जगह हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज एक अच्छी जगह हो सकती है बेटा, बैंक की सिक्योरिटीज हो सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज होती है। अभी खैर आप इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट है रेनबो में FFM, उसमें पढ़ाया जाता है। हाँ जी बेटा, तो बाबू आपने क्या करा, 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, ओके बात बड़े आगे। बाबू थर्ड ईयर फिर आपने 1 करोड़ इकट्ठे करके दिए, मैंने 1 करोड़ फिर इन्वेस्ट कर दिए। चौथे साल आपने 1 करोड़ इकट्ठे करके दिए, मैंने फिर इन्वेस्ट कर दिया। मैं हर साल इन्वेस्ट करी जा रहा हूँ। जब आप 15वें साल के बाद आए तो बीच में एक इंसान की डेथ हो चुकी थी, जिसके लिए मैंने 1 करोड़ पहले साल ही रख लिए थे, उसको मैंने पे कर दिए। बेटा आप आए, मुझे पता था आपने आना, मैंने तो क्या सोचा आप कब आओगे, 25 साल के बाद आओगे ना अपने पैसे लेने, आप आ गए बीच में 15 साल में, लाओ मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी तोड़ दो। सर इनकन्वीनियंस दे दी कि नहीं दे दी आपने मुझे, आपने मुझे दे दी ना इनकन्वीनियंस, मेरे पास पैसा पड़ा है लिक्विड नहीं, मैंने तो सब इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं बेटा वो इनकन्वीनियंस आपके ऊपर डाल दूंगा, मैं क्या करूंगा। बेटा आपने मुझे 15 दिया, मैं पूरे 15 तो नहीं दूंगा। आप क्यों आए जल्दी, आप आराम से आते, आप जल्दी आए हो ले लो, इनकन्वीनियंस आपने मुझे दी मैं आपको दे दूंगा, तो बेटा मैं जो पे करूंगा आपको 15 से कुछ कम दूंगा। समझ आई बात, ओके बात। यानी कि आपके पैसे पे मैंने जितना भी रिटर्न कमाया सब खा गया। इंश्योरेंस कंपनी ने 15 लाख रुपए के ऊपर, ऐसा तो नहीं सकता कुछ रिटर्न ना कमाई हो, 15 साल बीत चुके हैं, आपने 15 लाख रुपए दिए, आपके पैसों पे रिटर्न भी कमाई, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बेटा इनकन्वीनियंस दिया उनको। समझ में आई, लेकिन एक बड़े काम की बात बोल देता हूँ, मान लो आपको 14 लाख मिलते हैं इन रिटर्न, 13 लाख मिलते हैं, 13.5 लाख मिलते हैं, लेकिन बेटा काम की बात यह है, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस बेटा इज हैविंग अ सरेंडर वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस को कभी भी सरेंडर किया जा सकता है, और बेटा जब भी सरेंडर करोगे उसकी कोई ना कोई सरेंडर वैल्यू जरूर निकल जाएगी। देखो बेटा 25 साल थे, मैंने 15 साल में ही सरेंडर कर दिया, 15 साल में सरेंडर करने के बाद इसकी एक सरेंडर वैल्यू निकली ना, चाहे आपने 15 लाख दिया हुआ था, मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 13.5 लाख वापस कर दिया, तो इसकी एक सरेंडर वैल्यू है। आपको बता देता हूं, अगर शुरू के 1-2 साल में आप कह देते ना नहीं नहीं सर मैं अभी सरेंडर करना चाहता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस लो रख लो मेरी पॉलिसी,
और मेरी लाइफ को छोड़ दो, आप इंश्योर मत करो और मेरी जो पैसे निकलते हैं वो दे दो। तो शुरू के अगर एक दो साल में आप सरेंडर करते हो तो सरेंडर वैल्यू वैसे जीरो निकलती है, कोई नहीं देता बेटा। अगर पहले साल बाद आ गए आप, उन्होंने कहा कुछ नहीं है भाई, दूसरे साल के बाद आ गए 2 लाख आपने दिए होंगे, दे देंगे 20-30 हज़ार रुपये आपके हाथ। 3 साल के बाद आ गए आपने दिए होंगे 3 लाख, दे देंगे आपको 80-90 हज़ार रुपये। तो बेटा धीरे धीरे सरेंडर वैल्यू बनती चली जाती है, लेकिन हाँ लाइफ इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू होती है। वट अबाउट फायर एंड मरीन? सोचना बेटा, आपने घर का इंश्योरेंस लिया, 1 साल के लिए 50 हज़ार रुपये प्रीमियम दिया, 6 महीने हो गए घर में कुछ नहीं हुआ, 6 महीने के आप आ गए, सर ये इंश्योरेंस पॉलिसी रख लो, मुझे फायर इंश्योरेंस नहीं कराना, मैंने 50 हज़ार दिए थे, बताओ क्या वापस करते हो, कुछ मिलेगा? सर कुछ नहीं मिलेगा। फायर इंश्योरेंस में कभी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है। तो वही बात होगी, आप अपने एक्टिवा का इंश्योरेंस करा के आते हो, कभी भी सरेंडर कर सकते हो क्या इंश्योरेंस को? चाहे आप अगले दिन कह दो मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस, आपके पैसे जीरो हो गए, उन्हें कहना रख ले पॉलिसी रखनी है तो, नहीं तो फाड़ के फेंक दे, कुछ नहीं है, ठीक है ना बेटा। फायर इंश्योरेंस में कभी सरेंडर वैल्यू नहीं होती, सेम बात मरीन में भी नहीं होती। यूएसए से गुड्स चल चुके हैं, 15 दिन की सी जर्नी है, 10 दिन हो गए बेटा, कोई खबर नहीं है, ये मतलब ये खबर नहीं है कि कोई इंसिडेंट हुआ। आपने कह दिया ये लो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं सरेंडर करता हूँ, लाओ पैसे दे दो, सर कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है ना। फायर और मरीन की कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है बेटा, सरेंडर वैल्यू भी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में। ओके बात क्लियर है जी, बात पढ़ें आप, चलो रीड करते हैं बेटा। बाबू लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज द सरेंडर वैल्यू और द पेड अप वैल्यू। मैंने एग्जांपल देकर बताया कैसे इसमें सरेंडर वैल्यू होती है, कभी भी सरेंडर कर लो लाइफ इंश्योरेंस को, कुछ ना कुछ सब मिल ही जाता है बेटा आपको। फायर इंश्योरेंस डज नॉट हैव एनी सरेंडर वैल्यू और द पेड अप वैल्यू, मरीन इंश्योरेंस डज नॉट हैव एनी सरेंडर वैल्यू और द पेड अप वैल्यू। ओके बात बड़े आगे, एक लास्ट बेसिस जिसके ऊपर मुझे टाइम लगाना है और बेटा मजा आ जाना चाहिए, मतलब इतनी नॉलेज लेकर जाओ यार किसी जगह आप खड़े हो ना कि बंदा कहे यार कितनी समझ है तुझे, बस मेरा मानना ऐसा है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो करेंगे बहुत सारी चर्चा करेंगे, एक मैं अब वो बेसिस लूंगा जिसको आप कभी पढ़ना नहीं चाहते थे, वो है थर्ड बेसिस। आ तो कभी ह्यूमन टेंडेंसी है, हम तो चाहते हैं सिक्स्थ बेसिस जैसे बेसिस और लिखता बेटा राइटर, ठीक है ना, लेकिन राइटर कहाँ मानने वाला है, उसने कहा एक आधा तो ऐसा लिख ही दो, और बेटा मजा ही आ जाएगा आपको आज, बहुत मजा आएगा। चलो सुनना बाबू, इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करता है और मैं बताता हूँ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, याद करा देता हूँ। आपको याद होगा कल एक MCQ भी मैंने पोस्ट किया था इससे रिलेटेड। बेटा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? इन केस ऑफ इंश्योरेंस आप सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की तो बेटा एक इंसान अपनी ब्लड रिलेटिव का, अपनी फैमिली का, अपने स्पाउस का इंश्योरेंस करा सकता है। अगर मैं बात करूं फायर और मरीन की तो बेटा फायर और मरीन में इंश्योरेंस आप करा सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एसेट, अपनी गुड्स, वही कार्गो जिसको आप बोलते हो, इनका इंश्योरेंस आप करा सकते हो। याद आई बात बेटा? अब एक बात ये सोचने वाली है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखना कब होता है हमारे को। लो पढ़ता हूं बेटा, धीरे धीरे करके क्लैरिटी आ जाएगी और यकीन माना ये आपका फेवरेट पॉइंट बनेगा, ठीक है? टीचर को भी नहीं आता, उसको भी आपने समझाना है, और मैं फॉर श्योर बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं करता, जो बात बोल दी वो पक्की होगी, ठीक है ना। कभी स्कूल जाने का मौका मिलेगा तो बेटा टीचर की बैंड बहुत बजाते हैं मेरे बच्चे, उनको बहुत चुल होती है कि टीचर से भी पूछ ले इसे कुछ पता है कि नहीं। चलो खैर बेटा बात करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, लाइफ इंश्योरेंस पढ़ता हूं। कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी बट नीड नॉट बी नेसेसरी एट द टाइम एंड द क्लेम फॉल्स ड्यू। लो प्यारे बच्चों आ जाओ सामने, और पहले ही बता दिया 1.5 घंटा लगाना भाई साहब, ठीक है जी, इन 3 बातों में और मजा आ जाएगा बेटा। लो आपको बता देता हूँ, एक दिन मैं ऐसी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करके गया था, मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया था। हेलो आज बता देता हूँ बेटा सॉल्यूशन, पार तेरी शादी करा दे कि नहीं करा दे एग्जाम्पल में, बस तू ये बता दे। अब वो कहाँ गया अपना पार? हाँ वो उस, अरे पार ठीक है भाई, गुस्से में है क्या आज? अच्छा शादी ना कराए, चल छोड़ यार। लो बाबू मिस्टर ए की शादी हो जाती है आज, आज बेटा कुछ भी समझ लो 15 जुलाई 2021, ठीक है, मिस्टर ए की शादी हो जाती है और 20 जुलाई को मिस्टर ए मिसेस ए का लाइफ इंश्योरेंस करा देता है।
फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस करा देता है बेटा, ठीक है ना। यानी कि इंश्योरेंस की वैलिडिटी है 19th of July 2041, ठीक है जी। 20 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। उसने कहा मैंने दिमाग बहुत खाना है, जल्दी पहुंच जाएगी तो ऊपर, मैं तेरा लाइफ इंश्योरेंस ले लूं, ठीक है ना। उसने 20 साल के लिए बेटा लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है जी। बाबू अब सुनना बड़े काम की बात, और बेटा मैं बोलता हूं 10 साल के बाद इनका डाइवोर्स हो गया। एक दिन याद है बेटा मैं ऐसी प्रॉब्लम देकर गया था आपको, और मैंने कहा था सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, आएगा 2-4 दिन के बाद एक दिन जिस दिन मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं। और आज मैं बोलता हूं बेटा इन दोनों का डाइवोर्स हो गया। और मिस्टर ये कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो तुझे अपनी धर्म पत्नी मानता हूं, मैं तो प्रीमियम पे करता रहूंगा। तो बेटा वो प्रीमियम पे करता चला जाता है, और मैं बोलता हूं बेटा 19th of July 2036 में मिसेस ए एक्सपायर हो जाती है, ठीक है ना। क्या होगा? अरे ओ भाई, अच्छा एक बात सुनो सुनो, बड़े काम की बात ही है। काम की बात ये है बेटा कि देखो जब इंश्योरेंस लिया गया, ये इसकी वाइफ थी मिसेस ए, ठीक है ना। एक मिनट, यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट था ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट था कि नहीं था। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है? आप सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ऑब्वियस बात है, है भाई। यार उसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ, यार उसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। तेरा तो पहले से इंटरेस्ट बना पड़ा है, अपना इंटरेस्ट तो बता दे पहले, तो लोगों का खत्म करने में लगा हुआ तेरा शादी से पहले बना हुआ, वो नहीं बताना तूने। लो लो, अरे रुक जा यार, अभी नाम बताऊँ क्या 2-4 के? अच्छा ठीक है, तू मना कर रहा है तो नहीं करते, ठीक है ना। कैंप की खबर सारी हमारे पास भी है। चलो जी, लो प्यारे बच्चों सुनना। तो बेटा इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है आज के दिन जब इंश्योरेंस लिया गया। और बेटा इंश्योरेबल इंटरेस्ट यही कहता था कि आप अपने ब्लड रिलेटिव का, अपनी फैमिली का, अपने स्पाउस का इंश्योरेंस ले सकते हो। तो इसने इंश्योरेंस ले लिया, तब इसकी स्पाउस थी, ठीक है बेटा। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब डाइवोर्स हो गया तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म हो गया, एज पर लॉ खत्म हो गया। वो बात अलग है कि मिस्टर ए का इंश्योरेबल इंटरेस्ट अभी भी है, ठीक है ना। वो तो कह रहा है ना मैं तो धर्म पत्नी मानता हूं, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया लॉ, ठीक है ना बेटा। लॉ के हिसाब से इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो क्या पॉलिसी यही खत्म हो गई? सर देखो कानून क्या कहता है, सुन लो। अभी आपने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन अब ध्यान से पढ़ लो बेटा। लिखा हुआ है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी। जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हो इंश्योरेबल इंटरेस्ट बस उसी टाइम चेक करना, एंड नीड नॉट बी नेसेसरी व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। तब जरूरत नहीं है इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जब क्लेम ड्यू हुआ। यानी कि बेटा यहां डाइवोर्स हो गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म हो गया, लेकिन मिस्टर ए ने प्रीमियम नहीं रोका। और 2036 में बेटा अगर मिसेस ए की डेथ हो जाती है तो ए को पूरा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि क्या बोला लॉ ने, जब क्लेम ड्यू हो रहा है तब हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। क्या बोला उसने, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी। जिस दिन पॉलिसी ले रहे हो उस दिन इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाएगा, बट नीड नॉट बी नेसेसरी, जरूरत नहीं है बेटा, नीड नॉट बी नेसेसरी व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। जब क्लेम ड्यू हुआ तब बेटा इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होने की कोई जरूरत है नहीं। हाँ जी सर, जैसे हाँ तो रुक जा यार, दो दो तीन तीन जगह इंटरेस्ट प्रेजेंट हो सकता है, रुक जा। तेरा भी तो दो दो तीन तीन जगह रहता है ना, तो मिसेस ए के क्या साथ क्या दिक्कत है? हाँ बोल भाई। यार यार रुक जाओ यार, एक एक करके यार देखो, मतलब ऐसा होता है कि दूसरे की प्रॉब्लम में मैं एक्साइटेड हो जाते हैं, विजन हमारा स्ट्रोंग हो जाता है, हम इमेजिनरी सिचुएशन एज्यूम करने लगते हैं, हो जाता है। रुक जा, सांस ले, ठंडा रहे। हाँ हाँ तो क्या हो गया सर? देखो एक बात सुन लो, सुन लो, बड़े काम की बात बोल रहा हूं।
लाइफ इंश्योरेंस में ना आप जितने मर्जी इंश्योरेंस करा लो बड़ा फायदा है। सुन लो बेटा, आपने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, आप ना उसकी वजह से ज्यादा परेशान हो रहे हो। लाइफ इंश्योरेंस में इतनी टेंशन नहीं होती। देख तेरे को बता देता हूं, एक इंसान है मिस्टर ए, बात भाई प्रॉब्लम तूने पूछी है, सॉल्यूशन तेरे लिए दे रहा हूं। एक इंसान है मिस्टर ए, उसने अपना इंश्योरेंस कराया मान लो पहले 25 लाख रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा आपको 25,000 देने पड़ेंगे 25 साल तक। आप 6,25,000 दोगे 25 साल में, हम आपकी आपकी लाइफ को 25 साल के लिए इंश्योर करते हैं, फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, ये देता रहा। कुछ दिन के बाद इसका बजट बन गया, मान लो आज से 10 साल के बाद, 10 साल के बाद इसने 1 लाख रुपए पर एनम देने शुरू कर दिया दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को। मान ले ये इंश्योरेंस कराया इसने LIC से, ये इंश्योरेंस इसने कराया मैक्स से, इसने मैक्स को बोला 15 साल के लिए मेरी लाइफ इंश्योर कर लो, 1 लाख रुपए पर एनम दूंगा। मैक्स ने कहा ठीक है, 50 लाख रुपए से आपकी लाइफ को हमने इंश्योर कर दिया। मैं बोलता हूँ बेटा बीच में कहीं मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, सर 25 ये भी देगा 50 ये भी देगा, दिक्कत क्या है? लाइफ इंश्योरेंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन का मुद्दा ही नहीं आ सकता ना बेटा, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन का मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तो पहले ही क्लियर होता है आपकी लाइफ जाने पर कितने कितने पैसे देगी इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करके नहीं देंगे बेटा, ठीक है ना। लॉसेस इमेजरेबल, ये कोई फायर इंश्योरेंस नहीं है, घर की वैल्यू निकाल लोगे लॉस कितना हुआ लॉस दे देंगे जी कॉन्ट्रीब्यूट करके। ह्यूमन लाइफ का लॉस इमेजरेबल है, तो बेटा सबको पूरा पूरा देना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, अब भाई मिसेस ए का इंश्योरेंस मिस्टर ए ने ले रखा है, उसकी शादी होगी जैसे मिस्टर बी से, उसने भी ले लिया इंश्योरेंस, जब भी मिसेज ए की डेथ होगी मिस्टर ए भी क्लेम करेगा मिस्टर बी भी। खुशी हुई ना जान के, ऐसे ही होता है नुमैच कैम में। हाँ जी, एक मिनट यार प्लीज यार, प्रॉब्लम मैं लूंगा पक्की बात है यार, कान में बता दो कोई सीक्रेट प्रॉब्लम है अपने से रिलेटेड, मैं समझ जाऊंगा सारी। अगर प्रीमियम पे करना बंद कर दिया तो आपने इंश्योरेंस की बेसिक शर्त खत्म कर दी। याद है आपको, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉसेस एंड रिटर्न ऑफ अ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। अगर आपने ये देना बंद कर दिया तो इंश्योरेंस वहीं खत्म हो गया, भूल जाओ कुछ मिलेगा खत्म, वो क्लेम कर लो, सरेंडर कराओ और पैसे ले लो, सरेंडर वैल्यू ले लो। लेकिन अगर आपने प्रीमियम खत्म कर दिया ना बेटा, तो इंश्योरेंस की उम्मीद मत करना, क्योंकि आपने बेसिक शर्त खत्म कर दी इंश्योरेंस की। क्लियर है बात? सर बता दो कोई काम की प्रॉब्लम आपकी सिचुएशन पे, एक बंदे की बात, बंदी की बात, 2 से 3 से 4 से इंश्योरेंस लेने का मन कर रहा हो आपका। हाँ चलो बस ठीक है, कह रहे पैसा नहीं है बेटा, किडनी भी बिकवा देगी वो, घबराओ ना। चलो है तेरे तो गर्लफ्रेंड का भी दिलवा देंगे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट बता के, तो टेंशन ना ले, राशन कार्ड पे भी नाम लिखवा देंगे उसका, तो टेंशन ना ले बाबू। चलो लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की, और थर्ड ही बेसिस चल रहा है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सर देखो काम की बात है, मजाक अपनी जगह लेकिन पढ़ाई अपनी जगह। चलो जी बेटा, कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एज वेल एज व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। मैं बड़े काम की बात बता देता हूं, सामने देखना मेरी तरफ, एग्जाम्पल हूं उससे क्लैरिटी ज्यादा आती है बेटा। ठीक है, पहले एग्जाम्पल और फिर कंटेंट दोबारा रीड कर दूंगा आपके लिए। बेटा एक फैक्ट्री है किसी इंसान की, कोई भी नाम समझ लो बेटा, लो कोई पर्सन है बेटा मिस्टर बी, उसकी एक फैक्ट्री है बेटा, और उसने अपनी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस कराया बेटा। लेट सपोज डेट इज 15th of July 2021 और ये बेटा इंश्योरेंस वैलिड है 14th July 2022 तक, ठीक है ना, 12 बजे तक यहाँ तक वैलिड है, ठीक है। और ऐसे ही लिखा था, अगर आपने इंश्योरेंस पे देखा हो कभी, किसी ने देखी है पॉलिसी कभी रीड की है, सर अपनी एक्टिवा की आज पॉलिसी रीड करके बताना, ऐसे ही लिखा होगा। अगर आपने इंश्योरेंस किसी डेट पे लिखा होगा तो एक डेट पहले लिखी होगी, लिखा होगा वैलिड टिल मिडनाइट 12 AM, ऐसे लिखा होगा, एक बार देख कर बताना जरूर मुझे, ठीक है बेटा। चलो अब सुनना बड़े काम की बात बेटा, मिस्टर बी फैक्ट्री का मालिक है, इसने आज अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस लिया, पहले ये बताओ आज इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है कि नहीं है? है क्यों बेटा? क्योंकि इसके नाम फैक्ट्री रजिस्टर्ड है, ये मालिक है आज उसका, तो ये ले सकता है कि अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस? नहीं ले सकता, ले सकता है, ले सकता, ठीक है बेटा।
बाबू साल चलता गया और मान लो मैं एक बात बोलता हूँ, 30th September 2021 आज से ढाई महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद इसने क्या करा बेटा, फैक्ट्री बेच दी। किसको बेच दी? किसी भी इंसान का नाम समझ लो बेटा, मिस्टर बी को बेच दी, सॉरी मिस्टर सी को बेच दी, ठीक है बेटा। और इसने जब बेची ना तो मिस्टर बी ने कहा ये लो मैंने फैक्ट्री भी इंश्योर कराई थी, ये लो इंश्योरेंस के भी पेपर रख लो, दे दिए भाई इंश्योरेंस के भी पेपर दे दिए। और मैं बोलता हूँ साल खत्म होने से पहले पहले कहीं बेटा नया साल भारी पड़ गया इसके लिए, 1 जनवरी 2022 को बेटा फैक्ट्री में आग लग जाती है, कैन मिस्टर सी क्लेम द इंश्योरेंस अमाउंट? सर पहले तो बोलो हाँ या ना, क्यों? अगर बी मालिक होता तो क्लेम कर सकता था क्या? अगर बी मालिक होता, बी ने बेची ना होती फैक्ट्री, क्लेम कर सकता था? कर सकता था। सी कर सकता है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से लॉ में लिखा हुआ है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। सुन लो बेटा, फायर इंश्योरेंस के केस में एक टाइम नहीं है, फायर इंश्योरेंस में बेटा इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एज वेल एज व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। जिस दिन इंश्योरेंस कराया उस दिन तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना होना ही जरूरी था बेटा, लेकिन जिस दिन आग लगी और आपने क्लेम करा उस दिन भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए था, यानी कि उस दिन भी प्रॉपर्टी आपके नाम होनी चाहिए थी। प्रॉपर्टी आपके नाम है, सी के नाम है, कुछ हो सकता है? कुछ नहीं मिलेगा, ना बी को मिलेगा ना सी को मिलेगा, भूल जाओ। बी को भी नहीं मिलेगा बेटा क्योंकि बी के नाम प्रॉपर्टी नहीं है, और सी को नहीं मिलेगा क्योंकि सी का नाम सिर्फ क्लेम के टाइम पर है, जब पॉलिसी इफेक्ट हो रही थी तब का था आपका नाम, तब तो नहीं था ना। तो बेटा इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम व्हेन अ क्लेम फॉल्स ड्यू। ओके बात सर, लिख कर ले लो आज कोरे कागज पर जितनी मैंने दो बातें बोल दी है, दोनों में से केस स्टडी आने वाली है, एक वो हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स वाला केस मैंने बोल दिया और एक मैंने एग्जांपल दे दिया, दोनों में से केस स्टडी ना ही जो मर्जी कह दे। तीसरी वाली बात से तुम्हारा कोई टीचर केस स्टडी देगा नहीं क्योंकि वो है बड़ी मुश्किल और मैं पढ़ाऊंगा आधा घंटा लगाकर उसको, इसी वजह से वो देगा नहीं क्योंकि उसको आती नहीं। मुझे बनानी हो तो मैं तो जान निकाल दूं बच्चे की भाई साहब कसम से। चलो जी लो प्यारे बच्चों, थर्ड केस का डिस्कशन करेंगे लेकिन रीड आप करेंगे एक बार, और रीड करके ना बेटा एक बार बताना जरूर समझ क्या आया। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द क्लेम फॉल ड्यू और एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली। मतलब कहीं जा रही है ये दिशा, इधर देखना बेटा, इधर देखना मेरी तरफ। लाइफ इंश्योरेंस में कहता था जिस दिन पॉलिसी ले रहे हो उस दिन इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए, फायर में कहता था दोनों दिन चाहिए, जिस दिन पॉलिसी ले रहे हो और जिस दिन क्लेम ले रहे हो, और मरीन में कह रहा जिस दिन क्लेम ले रहे हो उस दिन चाहिए। वो क्लेम वाला लॉस वाला ही दिन होता है, क्लेम वाले दिन चाहिए। तो बेटा यानी कि जिस दिन पॉलिसी ले रहे हो उस दिन ही चाहिए, ये तो यही कह रहा है, ये तो यही कह रहा है ना कि जिस दिन बेटा क्लेम ले रहे हो उस दिन मालिक चाहिए हो, यानी कि उससे पहले मालिक ना भी हो तो चलेगा। बेटा कार्गो आ रही है यूएसए से इंडिया, आपके गुड्स आ रहे हैं, आपके गुड्स आ रहे हैं, ये कह रहा मालिक होना जरूरी नहीं है जिस दिन पॉलिसी ली है। मैंने तो पहले ही कहा था, मजा तो इसी चीज में है, आपके टीचर ने कहा ना बस याद कर लो, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस हो गया, और मैं इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी को आधा घंटा लगाऊंगा। लो प्यारे बच्चों सब सामने देखेंगे और आज मजा आ जाएगा बेटा, बस आज ना जब आप निकलोगे वैद से तो कहोगे यार कुछ चीज सीख के निकले, मजा आ जाएगा पक्का। लो प्यारे बच्चों सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, बेटा इंडिया का कोई पर्सन है जो गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है यूएसए से, इसने बेटा सैंपल देख लिए ऑनलाइन, ठीक है ना, और बेटा इसको सैंपल दिखाने वाला पर्सन है यहां का एक्सपोर्टर, मैं एक्सपोर्टर के लिए वर्ड जान के ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई पर्सन है मिस्टर ई, और बेटा इंडिया का कोई पर्सन है जो गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है उसका नाम है मिस्टर आई, जान के एक्सपोर्टर से ई और इंपोर्टर से आई ले लिया मैंने, ठीक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन तो क्लियर है ना आपको,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमेशा समझाता हूँ मैं इतने बढ़िया तरीके से, ठीक है ना बेटा। बाबू इधर देखना सामने, एक्सपोर्ट क्लियर है ना बाबू। बाबू इंपोर्ट क्या होता है, दूसरे के देश में बना हुआ माल अपने देश में मंगा लेना इंपोर्ट, तो और क्या होता है भाई। और एक्सपोर्ट क्या होता है, अपने देश में बना हुआ माल किसी और देश को सप्लाई कर देना। हाँ ये क्लियर क्लियर ऐसे कर, हाँ ये तो वैसे ही हमारे को क्लियर है। लो प्यारे बच्चों लो लो, हाँ अब क्लियर हो गया बिल्कुल। लो अब सामने देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इधर हूँ बेटा। मिस्टर ई गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया, और ये बेटा इंपोर्ट करना चाहता है, ठीक है ना। अब सुनना, सैंपल इसने ऑनलाइन दिखाए, इसने देख लिया सैंपल, इसको गुड्स पसंद है। अब सुनना बेटा, क्योंकि मैं प्रॉब्लम डालूंगा तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा। मिस्टर आई ने कहा, मिस्टर ई आप गुड्स चला दो यूएसए से, जैसे ही गुड्स मुझे इंडिया रिसीव होते हैं मैं आपकी पेमेंट कर देता हूँ, दिक्कत क्या है। मिस्टर ई ने कहा, दिमाग ठीक है तेरा, एक काम कर तू पहले एडवांस जमा करा दे मेरे अकाउंट में, जैसे ही एडवांस मुझे रिसीव हो जाता है मैं यहाँ से गुड्स चलाने की सोचता हूँ। मैं क्या बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, पहले गुड्स तू चलाएगा, तू यहाँ से गुड्स चला, जब मुझे प्रूफ मिल जाएगा कि वहाँ से गुड्स चल गए मैं एडवांस डाल दूंगा, एडवांस के पूरी पेमेंट डाल दूंगा। क्या बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, पहले तू एडवांस डाल, जब मेरे अकाउंट में पेमेंट रिफ्लेक्ट कर जाएगी अभी गुड्स यहाँ से चला देता हूँ। मुझे तो जानना ये है आपसे कि पहले गुड्स चलेंगे या पहले पैसा जाएगा। अरे समझ नहीं आएगा क्या बोला, हिंदी में नहीं बोला क्या, पहले गुड्स चलेंगे या पहले पैसा जाएगा। गुड्स चलेंगे कौन कौन मेरे साथ है, सेट भी आता है बेटा जो मेरे साथ नहीं होता। हाँ एक आया, एक आया, एक दो 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 मेरे दो साथी हैं यार, हाथ कॉन्फिडेंस से ऊपर कर लो, बेइज्जती हो रही यार, कुछ तो साथ रहो। हाँ दो है भाई, दो है। हाँ जी बेटा सारों का बाकी सेट भी है, ध्यान रखना, जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन बताऊंगा, केस स्टडी वाला होता है सेट भी, बड़ा खतरनाक। हाँ पहले पैसे जाएंगे कौन कौन है, और जो कहीं है फिर उनके लिए बहुत अच्छा वर्ड है मेरे पास, बीच वाला तो कोई नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे आप ऐसे मानते नहीं सीधे तरीके से। लो प्यारे बच्चों, सर तो आपके हिसाब से पहले पैसे जाएंगे, चलो आपकी बात कर लेते हैं जिनके हिसाब से पहले पैसे जाएंगे। बेटा आई ने पैसे डिपॉजिट कर दिए इसके अकाउंट में 25% एडवांस, और इसने कह दिया मैं गुड्स भेजता नहीं, जो तय कर लो, क्या होगा, खत्म। सर ये 25% मान लो 25 करोड़ रुपए, 100 करोड़ का सामान आ रहा था, या 25% 1 करोड़ का सामान आ रहा था, सिर्फ 25 लाख रुपए है। सर ये पूरी जिंदगी चक्कर काट लो आप अमेरिका के, मुझे रिकवर करके दिखा देना। सर ये कोई ना दिल्ली नहीं बैठा हुआ कि आप एक ट्रेन पकड़ के जाओगे, इसको पकड़ लोगे, इसके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी, ये ऑपरेशन ओवरसीज चल रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ना तो आपको वहां का लॉ पता ना कुछ। बंदा ट्रेस करने में ना बेटा पसीने आ जाएंगे, इतने पैसे एडवांस नहीं दिए होंगे जितने लग जाएंगे। इंडिया से भागे हुए रेजिडेंट को तो वहां के लॉ के हिसाब से लाना पड़ता है, आप सोच रहे हो कि वहां के बंदे को पैसे दे दोगे और रिकवर कर लोगे, कौन कह रहा है एडवांस देने है भाई, मेरे साथ नहीं हो रहे थे तुम, और जो मेरे साथ थे वो कौन सा ठीक है, मैंने दोनों ऑप्शन दिए, दोनों गलत थे, ऑप्शन सही तो दिया ही नहीं। कितने खुश हुए, लो निकम्मो तुम्हें क्या पता। लो प्यारे बच्चों, अरे हर शेर को एक दिन सवा शेर मिल जाता है, तुम शेर तो हम सवा शेर। लो इधर देखो मेरी तरफ, इसका एक सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन आपको पता होगा तो ही बेटा मजा आएगा, वरना कोई मजा नहीं आएगा। हैं क्या करें, सुसाइड की बात नहीं हो रही बेटा। अच्छा लो, अरे नहीं भाई नहीं, ये चीज तो आपके टीचर को नहीं पता, आप कहाँ गैस करने में लगे। लो इधर देखो, सामने देखो बेटा, इसका एक सॉल्यूशन होता है। मिस्टर आई ने पूछा, मिस्टर ई आप ये बताओ आपकी दुकान घर के आसपास कौन सा इंडियन बैंक है। मिस्टर ई ने कहा, मेरे घर के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI हो सकता है कि नहीं हो सकता, लगभग हर फॉरेन कंट्री में SBI, लगभग हर फॉरेन कंट्री में। उसने कहा SBI है, उसने कहा बहुत अच्छी बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके घर के आसपास है। ये गया एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिस्टर आई,
और इसने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाया। दिस अकाउंट इज वेरी स्पेशल, नोन एज LC। ये अकाउंट बहुत स्पेशल अकाउंट होता है, इसको बोलते हैं LC। LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, प्यार से इसका नाम है बेटा LC, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। स्पेशल अकाउंट खोला LC। इस अकाउंट के साथ फीचर यह है बेटा, इस अकाउंट में एक बार आपने पैसे जमा कराए तो आपका विड्रॉल का राइट खत्म, विड्रॉ नहीं हो सकते। आपने इसमें पैसे जमा कराए, वही मान लो बेटा 25% एडवांस, 25 लाख रुपए, ठीक है, 25 लाख आपने जमा करा दिया, निकालने का राइट खत्म हो गया। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सहारनपुर ने SBI USA को गारंटी दे डाली। इसने कहा पैसे मेरे पास हैं, आप मिस्टर ई को बोलो कि गुड्स चलाए, पैसे मैं दूंगा। सर इंसान की गारंटी वैलिड नहीं है, बैंक गारंटी तो वैलिड है, एक बैंक ने दूसरे बैंक को गारंटी दिया वो तो वैलिड है, वैलिड है जी। SBI ने गारंटी दे डाली मिस्टर ई को कि आप गुड्स चलाओ, मुझे प्रूफ ला के दे दो, जैसे ही प्रूफ लाओगे वैसे ही आपके पैसे मैं देता हूँ, यहीं खड़े खड़े 25 लाख रुपए अभी दूंगा। मिस्टर ई ने कहा वेरी गुड, बैंक गारंटी दे रहा है इंसान की, मुझे मिस्टर आई पे विश्वास नहीं लेकिन बैंक आप पे विश्वास है, आप कहीं नहीं भागने वाले। इसने क्या करा बेटा, गुड्स वेसल पर बुक करा दिए और ये वेसल चलने वाला है बेटा USA से, बेटा कहीं भी समझ लो, मान लो मुंबई पोर्ट, ठीक है ना, दिल्ली में पोर्ट हो सकता है क्या? अ लिटल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, दिल्ली में पोर्ट है यार, तुम्हें क्या सामने वाला बिल्कुल हल्का लग रहा है क्या बेटा? कितनी बार पढ़ा आपने कस्टम एक्ट? मैंने पूरा कस्टम एक्ट पढ़ रखा है, कस्टम एक्ट 1962, अभी बता दूंगा, 5 मिनट की पेशेंस भी होनी चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा तो दूसरा ये ले, लिख देता हूं, फिर ये मत कहना बता कर नहीं गए थे, ठीक है ना, मैं अभी बता कर जाऊंगा, मैंने लिख दिया, बस मैं नहीं भूलनेगा। चलो बेटा, मिस्टर ई ने बेटा गुड्स बुक कर दिए वेसल पर, और बेटा जैसे ही वेसल पर रखे होंगे तो कोई तो रसीद दी होगी वेसल वाले ने, मैं रसीद का नाम नहीं बोल रहा, बड़ा टेक्निकल नाम है, मैं बेटा रसीद ही बोल रहा हूं इसको। तो वेसल ने बेटा बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं इसको, बिल ऑफ लेडिंग LADING, बेटा बिल ऑफ लेडिंग एक रसीद दे दी बेटा वेसल ने मिस्टर ई को, मिस्टर ई ने बेटा SBI बैंक को दे दी, ये लो रसीद, प्रूफ मिल गया आपको, गुड्स चल पड़े हैं USA से इंडिया की तरफ, लाओ जरा पैसे दे दो 25 लाख। इसने कहा एक सेकेंड वेट करो, इसने मेल करी बेटा SBI इंडिया को रिसीट और बोला फटाफट से पैसे दो। बेटा जैसे ही इसको प्रूफ मिला गुड्स चल चुके हैं, इसने 25 लाख रुपए ट्रांसफर करे SBI USA को, SBI USA ने ई को दे दिए, यहाँ की चैन खत्म, यहाँ की चैन शुरू। सुन लो, रसीद मेल होकर SBI इंडिया के पास जा चुकी है, SBI इंडिया ने बेटा आई को बुलाकर रसीद दे दी कि ये लो बिल ऑफ लेडिंग, आज से आप इसके ऑनर हो जाते हो और आप अब गुजरात पोर्ट पर जाकर, मान लो ये गुड्स गुजरात पोर्ट पर आ रहे हैं बेटा, किसी भी पोर्ट पर आ रहे हैं, मुंबई पोर्ट पर आ रहे हैं, मुंबई पोर्ट पर जाना, ये रसीद दिखाना, गुड्स क्लियर हो जाएंगे, बिना रसीद के गुड्स भी नहीं मिलेंगे, रसीद ही तो बता रही है कि आप ऑनर हो उस गुड्स के। पहले समझ में आई बेटा कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसे कैसे गुड्स जाते होंगे, ये समझ में आया? हम मरीन इंश्योरेंस पढ़ रहे थे पहले, वो याद कर लो। अब सुनना, पहले मरीन इंश्योरेंस है, मेल पे पड़ी है, मेल पे पड़ी हुई चीजें कैसे खोती है? बंदा खो जाता है, मेल वाली चीजें नहीं खोती वैसे, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था, ये कोई वो वाली चिट्ठी थोड़ी है बेटा, पुराने जमाने की चिट्ठी, हमारे जमाने की चिट्ठी इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है, नहीं खोती बेटा, ये ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, खैर करते हैं बात बेटा, इतनी बात ओके हुई, अब एक बात सुन लो, बड़े मजा ही आ जाएगा आपको बेटा। जब मिस्टर ई, सुनना बेटा, यही देखो लिखा बुक में नहीं है, कसम से मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा, तो इधर ही देख लो मेरी तरफ। जब मिस्टर ई वेसल पे गुड्स फेंकने जा रहा था, अब एक फेंकने ही जा रहा था, इसका थोड़ी है मालिक तो आ ही गया बेटा, आई ने बोला मिस्टर ई आपके इंश्योरेंस के भी पैसे दे देता हूँ, इंश्योरेंस आप करा दो। उन्होंने कहा ठीक है, इंश्योरेंस मैं करा देता हूँ। ऑब्वियस बात है बेटा, आई कोई USA तो जाएगा नहीं गुड्स के इंश्योरेंस कराने, और बेटा वेसल पर नियम है गुड्स तब तक नहीं रख सकते जब तक आपके हाथ में इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। मैंने एक दिन बताया भी था बेटा, मरीन रोड में गुड्स आ नहीं सकता जब तक इंश्योरेंस नहीं हुआ, कोई नहीं आने देता बेटा। तो बेटा आई ने पेमेंट करी ई को, ई ने इंश्योरेंस करा दिया। बेटा एक बात बताओ, एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी
क्या आई का इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है? अभी तक ये मालिक है? अभी तक ये मालिक है? सर मालिक बनने के लिए क्या चाहिए? आपके पास बिल ऑफ लेडिंग चाहिए है? बिल ऑफ लेडिंग वो रसीद है ना बेटा, वो तो बाद में आएगी ना बैंक के थ्रू जब यहां से गुड्स निकल जाएगा। सोचो एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी, जब पॉलिसी ली जा रही है, आई कोई ऑनर नहीं है बेटा, आई का इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही प्रेजेंट नहीं है। और क्योंकि बेटा पता है कि कभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट ही नहीं हो सकता, इसी वजह से लॉ ने भी ये बात लिखी कि मरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मत देखना। लॉ ने भी ऐसे ही लिखा कि देखना ही मत, क्योंकि लॉ को पता है कभी हो ही नहीं सकता इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट। आज ई ने इंश्योरेंस करा के आपका गुड्स वेसल पे फेंक दिया, आपको जब मेल कराई गई तो दो चीजें कराई गई, इंश्योरेंस पॉलिसी एज वेल एज बिल ऑफ लेडिंग। और जैसे ही अगर ये वेसल डूब गया, आई के पास बिल ऑफ लेडिंग भी है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। और बेटा मरीन इंश्योरेंस में लिखा गया है इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए व्हेन द क्लेम फॉल ड्यू। आज क्लेम ड्यू हुआ बेटा, क्या आप ऑनर हो, क्या आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? हाँ आई का है, तो क्या ये क्लेम कर पाएगा, इंश्योरेंस कर पाएगा? सर समझ में आया लॉ की लैंग्वेज क्या है? ठीक है ना, ये एक लाइन पढ़ने से काम नहीं चलेगा आपका, आपको पता होना चाहिए बेटा कि पूरा कंक्लूजन है क्या, कैसे चलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, अब रही बात दिल्ली पोर्ट है कि नहीं, सर मजा तो आया होगा सुनकर, ठीक है ना। लो बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ यार, आप मेरे पास ये किताब पढ़ने के लिए नहीं हो, किताब तो कोई भी पढ़ा देगा, ठीक है ना। वैसे तो कोई भी नहीं क्या किसी की इतनी मजा नहीं हमारे से बढ़िया पढ़ा दे। लो खैर, ये इंडिया की कोस्टल लाइन है बेटा, मेरी ड्रॉइंग बहुत पुअर है, इससे ज़्यादा बनाऊंगा तो हंसी आ जाएगी, ठीक है ना। इंडिया की कोस्टल लाइन है बेटा, ठीक है ना, हंस रहे हो मेरे ऊपर। सेट भी पता है क्या मतलब, मेरे ऊपर हंस रहे हो तुम, कल टेस्ट है बेटा, आप देख तुम्हारी हंसी की तैसी, हाँ हंस रहे हो तो बेटा। बाबू ये इंडिया की कोस्टल लाइन है बेटा, आपके हिसाब से तो पोर्ट यहीं कहीं हो सकता है, दिल्ली तो यहाँ बैठा हुआ कहीं सेंटर में बेटा, यहाँ कैसे पोर्ट हो सकता है? लगा के नहीं लगा झटका बेटा। कस्टम एक्ट 1962 में एक प्रोविजन है कि जिस जगह से बहुत सारे सामान की डीलिंग हो सकती है ना, वहां पर कस्टम अपने पोर्ट बना सकता है, और उसको हम जानते हैं ड्राई पोर्ट के नाम से। दिल्ली के पास एक जगह है नोन एज तुगलकाबाद, तुगलकाबाद में बेटा ड्राई पोर्ट है। यानी कि होता क्या है बेटा, अगर आपको कोई भी सामान मंगाना है दिल्ली वालों को, वो कभी मुंबई पोर्ट पे नहीं मंगाते, वो हमेशा तुगलकाबाद तक मंगाते हैं। होता क्या है बेटा, यूएसए से गुड्स आता है बेटा मुंबई पोर्ट गुजरात पोर्ट पर, रेलवे अरेंजमेंट करता है बेटा उसकी, और रेलवे के थ्रू गुड्स तुगलकाबाद पहुंचाया जाता है, यानी कि दिल्ली वालों को गुड्स तुगलकाबाद ही मिलता है। अगर उन्हें एक्सपोर्ट करना होता है वो तुगलकाबाद ही छोड़ते हैं, रेलवे के थ्रू अपने आप पहुंचता है मुंबई तक या बेटा किसी और गुजरात पोर्ट तक, कालीकट पोर्ट तक, जो भी पोर्ट है, और वहां से जाता है गुड्स बेटा जहां जाना होता है। ठीक है, दिल्ली पोर्ट है, ड्राई पोर्ट बोलते हैं इसको प्यार से, ओके बात ठीक है जी। इतनी बात, डिफरेंसेस समझ आए सारे? पढ़ू कुछ, रीड करना है आपके लिए बता दो, कुछ और रीड करना है तो। आज के लिए इतना ही रखें, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।